बोधिया प्रखंड पंचायत व बसाड़ी गांव निवासी वार्ड सदस्य शिव चरण प्रसाद और अन्य लोगों ने जिला प्रशासन बिया के कार्यालय में जाने के लिए पद यात्रा शांति मार्च निकाला। बसाड़ी पंचायत के पीडीएस दुकानदार डीलर सुदमा पासवान के द्वारा समय पर अंत्योदय व मिट्टी तेल नहीं दी जाने के कारण जांच कर कार्रवाई करने के लिए जिला में कंट्रोल रूम को फोन किया गया था, लेकिन कंट्रोल रूम को सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं किया गया। शिवचरण प्रसाद ने बताया कि कार्रवाई के लिए लिखित आवेदन भी दिया गया और फोन से भी सूचना पदाधिकारियों को दिया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। इसकी शिकायत के लिए बसाड़ी गाँव के गया जिला प्रशासन मुख्यालय तक पैदल यात्रा के लिए प्रस्थान किए। उन्होंने यह भी कहा कि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी पीडीएस दुकानदारों और उसके बिचौलियों व माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के लॉकडाउन होने के बाद भी रोजगार व मजदूरी भी बंद हो गया है, जिसके कारण रोजी रोटी बंद हो गया और भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसे देखते हुए अपनी मांगों के लिए जिला प्रशासन मुख्यालय शिकायत करने गाँव के कई लोगों के साथ वो बताइए कहाँ से हैं आप लोग? बसाड़िये के हैं। तो अभी आप लोग पैदल जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ब्लॉक में वीडियो के पास बोलेंगे कहेंगे हमको लड़का भी बॉम्बे से आया, सगर सब कुछ मिल रहा है, हमको लड़का के कुछ नहीं मिला। क्या नाम हुआ आपका? सुदामी देवी, पति के नाम सुरेश रविदास। क्या है समस्या? देखिए यही भैया की दिक्कतारी हो रहा है कि हम लोग को पेंशन नहीं मिल रहा है। आप बात करें, आपके की माई भी ऐसा है, अब ही भाई भोजा भी नहीं कोई पूछ रहा है तो क्या करें भैया? आप लोग मजदूर आदमी, हम लोग नहीं भैया। देखिए सब लोग के तो गांव में नरकतिया हाथ हाथ मिल रहा है, अब हम क्या करें? अब बहुत ज़्यादा जाते तो आमदनी बात होता, मगर हम क्या करें? कोई पैसा आती नहीं है तो हम क्या करें? आप कहाँ जा रहे हैं आप लोग अभी? इधर ही आए थे। जा कहाँ रहे हैं पता नहीं है? ब्लॉक जा रहे हैं सर, बात करें। सब लोग के तो चालू है मगर हम लोग के ध्यान ही नहीं है कुछ, हम बात करें।